मृणाल ठाकुर ने अपना फिल्मी करियर की शुरुआत सन 2014 ईस्वी में आई मराठी मूवी विटी डांडू से किया था। इस मूवी में मृणाल ठाकुर, विकास कदम, निशांत भव्यसार, अशोक सामर्थ, यतीन कार्यकर थे। इस फिल्म का बजट 2,50,00,000 रुपए था और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर 9 करोड़ रुपए की कमाई की थी। इस तरह से यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई। इसी साल मृणाल ठाकुर की दूसरी मूवी सुराज्य रिलीज हुआ। इस मूवी में मृणाल ठाकुर विनायक भारवे, वैभव तलवावदी, पूर्णिमा मनोहर, माधव अभियंकर थे। इस फिल्म का बजट 8 करोड़ रुपए था और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर 12 करोड़ रुपए की कमाई की थी। इस तरह से यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर एवरेज साबित हुई। सन 2018 ईस्वी में मृणाल ठाकुर की तीसरी मूवी लव सोनिया रिलीज हुआ। इस मूवी में मृणाल ठाकुर, राजकुमार राव, मनोज वाजपेयी, अनुपम खेर, रिया सिसोदिया थे। इस फिल्म का बजट 10 करोड़ रुपए था और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर 5,22,00,000 रुपए की कमाई की थी। इस तरह से यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई। सन 2019 में मृणाल ठाकुर की चौथी मूवी सुपर 30 रिलीज हुआ। इस मूवी में ऋतिक रोशन, मृणाल ठाकुर, पंकज त्रिपाठी, अमित साध, आदित्य श्रीवास्तव, साधना सिंह थे। इस फिल्म का बजट 65 करोड़ रुपए था और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर 208 करोड़ रुपए की कमाई की थी। इस तरह से यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई। सन 2019 ईस्वी में मृणाल ठाकुर की पांचवी मूवी बाटला हाउस रिलीज हुआ। इस मूवी में जॉन अब्राहम, मृणाल ठाकुर, रवि किशन, मनीष चौधरी, सोनम अरोरा थे। इस फिल्म का बजट 75 करोड़ रुपए था और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर 113 करोड़ रुपए की कमाई की थी। इस तरह से यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई। सन 2020 ईस्वी में मृणाल ठाकुर की छठी मूवी घोस्ट स्टोरीज रिलीज हुआ। इस मूवी में जाह्नवी कपूर, मृणाल ठाकुर, अविनाश तिवारी, कुशा कपिला, विजय वर्मा, सुरेखा सिकरी थे। इस फिल्म का बजट 6 करोड़ रुपए था और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर 7 करोड़ रुपए की कमाई की थी। इस तरह से यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई। सन 2021 ईस्वी में मृणाल ठाकुर की सातवीं मूवी तूफान रिलीज हुआ। इस मूवी में फरहान अख्तर, मृणाल ठाकुर, ईशा तलवार, दर्शन कुमार, सुप्रिया पाठक थे। इस फिल्म का बजट 15 करोड़ रुपए था और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर 20 करोड़ रुपए की कमाई की थी। इस तरह से यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर एवरेज साबित हुई। सन 2021 ईस्वी में मृणाल ठाकुर की आठवीं मूवी धमाका रिलीज हुआ। इस मूवी में कार्तिक आर्यन, मृणाल ठाकुर, अमृता सुभाष, सोनम मजुमदार, प्रिया टंडन थे। इस फिल्म का बजट 40 करोड़ रुपए था और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर 135 करोड़ रुपए की कमाई की थी। इस तरह से यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई। सन 2022 ईस्वी में मृणाल ठाकुर की नौवी मूवी जर्सी रिलीज हुआ। इस मूवी में मृणाल ठाकुर, शाहिद कपूर, पंकज कपूर, रोहित कामरा, श्रद्धा श्रीनाथ थे। इस फिल्म का बजट 80 करोड़ रुपए था और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर 27,90,00,000 रुपए की कमाई की थी। इस तरह से यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई। सन 2022 ईस्वी में मृणाल ठाकुर की 10वीं मूवी सीतारामम रिलीज हुआ। इस मूवी में दुलकुएर, सलमान, मृणाल ठाकुर, रश्मिका मंदाना, भूमिका चावला, गौतम मेनन थे। इस फिल्म का बजट 30 करोड़ रुपए था और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर 105 करोड़ रुपए की कमाई की थी। इस तरह से यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई। सन 2023 ईस्वी में मृणाल ठाकुर की 11वीं मूवी सेल्फी रिलीज हुआ। इस मूवी में अक्षय कुमार, इमरान हाशमी, डायना पेंटी, नुसरत भारूचा, मृणाल ठाकुर थे। इस फिल्म का बजट 80 करोड़ रुपए था और यह मूवी 2 दिन में 10 करोड़ 50 लाख रुपए की कमाई कर चुकी है। आपको क्या लगता है, यह मूवी फ्लॉप या हिट को जाएगी? कमेंट में जरूर बताइए।